राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन की आंच अब पूरे देश भर में पहुंच चुकी है, तो वहीं इस किसान आंदोलन को लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी ने बताया कि किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश की उपस्थिति प्रभावी है। इसके साथ ही उन्होंने आजादी की लड़ाई का उदाहरण देते हुए किसानों की यह लड़ाई भी लंबी चलने की बात कही। मध्य प्रदेश के हर किसान के अंदर आग है, दूरी बहुत ज्यादा है, ट्रेनें बहुत कम है और इसकी वजह से महामारी जैसी बीमारी में ये सरकार लेके आई है। सबसे बड़ा पाप तो उन्होंने ही किया है। मध्य प्रदेश के किसान पलवल पर बैठे हुए हैं, ट्रालियां हैं, सारा व्यवस्था है। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश का किसान कोई 20 दिन रुकते हैं, जत्थे के जत्थे जाते हैं, फिर चले आते हैं, आवागमन लगा है, मगर मध्य प्रदेश के किसानों की उपस्थिति एक सड़क दिल्ली जाने वाली जहां पर भारी ट्रैफिक हो उस सड़क को रोक के मध्य प्रदेश का किसान बैठा है, तो मध्य प्रदेश की उपस्थिति भरपूर है और प्रभावी है। इसके साथ ही किसान नेता कक्का जी ने बताया कि जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अन्य संगठन भी हमारे समर्थन में आगे आ रहे हैं। इशू है उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि कमेटी बना देते, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं थी। कल बैठक दिल्ली में पूरे संगठनों के लोगों के साथ होगी, चर्चा करेंगे, पर जब तक ये आदेश नहीं होगा आंदोलन वापस नहीं होगा। ये राय बहुत स्पष्ट है हमारी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है, ये एक जन आंदोलन बन गया है आज की तारीख में। ऐसे ऐसे संगठन हमारे समर्थन में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के धरने पर हमारे को रोटी की समस्या थी, तो एक बड़ी मशीन जो एक घंटे में 2000 रोटी बनाती है पंजाब से हमारे धरने पे मशीन उसी दिन से आ गई है। बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो ग्वालियर का है वो 5 से 10 हजार लोगों का भोजन पर डे करवा रहे हैं। वहाँ राशन इतना आ चुका है हमारे पास जन सहयोग से कि हमको गोडाउन किराए से लेना पड़ी है। पंजाब से टेंट आ गए हैं, 0 डिग्री पर जो टेंट होते हैं जिसमें 0 डिग्री पर भी आदमी रह सकता है वैसे टेंट आ चुके हैं। दिन भर वहाँ धरने पर व्याख्यान चलता रहता है और आंदोलन बहुत अच्छी गति से चल रहा है। हम लोग भी बहुत बड़े मन से सरकार पर विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी बात पर ध्यान देगी। नरेंद्र तोमर जी चूंकि मध्य प्रदेश के ही है, कृषि मंत्री हैं, ग्वालियर से हैं, पूर्व का अनुभव है कि वो काफी चतुर हैं और सूझबूझ से काम लेते हैं, पर ऐसा लगता है कि उनकी कुछ सीमाएं हैं। जब भी हमने मध्य प्रदेश में आंदोलन किए हैं तो उन्होंने आंदोलनों का स्वागत किया है, तो उनके चलते कुछ हल निकलेगा, कुछ वो सरकार से भी गुजारिश करेंगे ऊपर जहां हमको करना है। और आप लोगों का सहयोग अभूतपूर्व है, आपके बगैर सहयोग के हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। हमें पता है कि आपकी मजबूरियां कितनी हैं, सब जानते हैं हम लोग। इस सारी मजबूरियों के बावजूद भी आपने जिस प्रकार से इस आंदोलन में सहयोग दिया है हम आपको जरूर करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। कक्का जी से जब आंदोलन के लंबे चलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने आजादी की लड़ाई का उदाहरण देते हुए किसानों की ये लड़ाई भी लंबी चलने की बात कही। आजादी की लड़ाई बहुत लंबी चली थी और हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत शहादत भी दी है। हम भी अपने किसानों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कब तक नहीं मानेगी उसका हमको इंतजार है, पर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमला हम पर चाहे जैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किसान संगठनों की मांगों को कब तक मानती है और आखिर कब किसानों का यह आंदोलन खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।